हेलो, दिस इज शानित। वेलकम बैक टू जीरो बजट प्रोडक्शंस। हजरात हजरात हजरात, कोरोना के दौरान बिना मास्क का कोई घर से नहीं निकलेगा, और अगर निकलता है कोई घर से, पुलिस उनको इनके तरह जेल में डालेंगे। और हम लोग का गेस्ट, हाँ, और वही मतलब किसी एक दोस्त को मेरी तरह जाना पड़ेगा इनको निकालने जेल से। देखिए भाई लोग, ये वीडियो के लिए मैं, ये गेस्ट और दोनों जेल जा चुका है। ये बेचारे हम लोग को छोड़ने भी नहीं आता क्योंकि पैसा नहीं था हम लोगों के पास। अपरेंटली वी आर सर्चिंग फॉर ATMs, और कुछ खा वा रहा था तो कुछ नहीं खा रहा था। वो पुलिस को चूना लगाने के लिए खाने का एक्सक्यूज दिया है। अरे कोई था नहीं आसपास तो क्यों पे, मतलब ऑब्वियसली वी शुड वेयर मास्क, अभी क्या बोलेगा। लेकिन देखिए, मतलब दिस इज़ अ फ्रॉड थिंग, ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले बोला कि ठीक है, ये कोर्ट का सीन है, हम तो जानता है अंडर एनी लॉ तुम मेरे को जेल घुसा नहीं सकेगा। हम बोला हाँ चलिए, कौन सा कोर्ट है, ये वो है, और टाइम लगता है। हम बोला हाँ, मेरे पास बहुत टाइम है। फिर बोला नहीं नहीं ये हो जाएगा, और आंसर का तो फट गया था तब कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना, ये वो, तो क्या बोलेगा। पर जो भी हो, कोई भी अगर मास्क के बिना घर से निकला और उसके दोस्त को सफर करना पड़ा, तो इस दोस्त का उसको बहुत ज्यादा बद्दुआ लगेगा। नहीं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मास्क पहन के चलिए, और व्हेनेवर यू आर नियर आईरिटो, लाइक 200 रुपए पॉकेट में रखिए, क्योंकि उधर पे बहुत ऐसा है भिखारी आदमी। हम तीन लोग थे, तीन लोगों के पॉकेट में मिला के शायद 30 रुपए भी नहीं था। कितना पापड़ बेलना पड़ा मुझे ही पता है। हाँ, मतलब वही आयरिटोला का जगह में ना भिखारी लोग बहुत बढ़ गया है, भिखारी लोग इन वाइट यूनिफॉर्म्स, क्या बोलेगा भाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम संदीपन एंड दिस इज जीरो बजट प्रोडक्शंस, और दिस इज शानित जो एक बार जेल जा चुका है, एंड आवर गेस्ट फॉर टुडे इज अंजर हसनैन जो मेरे साथ जेल जा चुका है। अंजर और हमारा जो मुलाकात है, इट वॉज जेल में छुड़ाने। मेरे साथ उसका वही फर्स्ट मुलाकात था, पर इसके साथ जो मुलाकात था, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली, तो अंजर के साथ मेरा मुलाकात हुआ अराउंड 2019 या फिर 2020। तो वी वर इनवाइटेड कैलबांका में एज गेस्ट टू शोकेस अवर आर्ट, मतलब फोटो ऑब्वियसली। तो गया था उधर, मतलब मजा हुआ। वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है ना, हाय दिस इज शानित, हाय दिस इज अंजर, नाइस टू मीट यू ब्रो, हुआ था। एंड डीप्रो था मेरे साथ, मतलब मेरा आज तक इतना भी कांड हुआ है, डीप्रो हैज बीन अ पार्ट ऑफ एवरी ऑफ इट। तो गया उधर, मतलब उस दिन डीप्रो का एक फ़ोटो बिका था, उसका एक दो दिन पहले मेरा भी और एक फ़ोटो बिका था, तो वी आर वेरी हैप्पी सेलिब्रेट करने के लिए। अभी तो पूरा स्टेडियम था उसके ऊपर, EPR शान आवाज है, एवरीवन वाज परफॉर्मिंग, और खुशी एकदम, मतलब सिंस गेस्ट लिस्ट में था, कोई चेक नहीं कर रहा था हम लोग क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है, तो बहुत कुछ लेके गया हम लोग। एकदम मतलब जो दाम में मिलता है वही, बहुत कुछ हुआ। फिर कट टू 2 years आफ्टर दैट, आई कॉल्ड अप अंजर आफ्टर गेटिंग हिज कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्ट्रीट फोटो आर्ट। तो तब मैं जानता भी नहीं था अंजर कौन है, ठीक है, ऑब्वियसली, मतलब याद भी नहीं उसका नाम अंजर था। तो हम फ़ोन किया, हाय एम आई टॉकिंग टू अंजर, दिस इज शानित, बोला अरे कैमन आ चीज भाई, है ना। उस भाई क्यों बोल रहे, ये जानता कैसे मेरे को। हम बोला या डू यू नो ईच अदर, ये बोला भाई तुम मजाक कर रहे क्या। हम बोला नहीं, मतलब आई डो नॉट नो यू एनी वे, मैंने का मतलब कैसे जानते हैं तुम मेरे को। मतलब भाई इतना कांड किया तुम लोग, हम लोग एक साथ था इधर उधर कैलबांका में, मतलब कैलबांका तो 2 साल पहले, बोला हाँ उधर ही तो मिला था। ओ डूड आई फॉरगॉट, आई वाज सो ड्रंक दैट डे ना, उसके बाद मेरे को कुछ याद ही नहीं है। आई जस्ट रिमेंबर गोइंग टू कैलबांका, नेक्स्ट दिन उठ के मतलब ऑफिस गया, इधर उधर कुछ ऐसा था, मतलब बीच में जो 8 to 9 hours ब्लैंक, आज तक मेरे को याद नहीं है उसमें हुआ क्या था। जाम का नशा लोगों से क्या क्या करवाता है। जो भी है, एग्जैक्ट नाम नहीं लेना है क्योंकि मेरा माँ बाप भी शायद नहीं वीडियो देखता है, तो ठीक है, कुछ हुआ था जिसके लिए भूल गया था। एनीवे, तो अंजर का भी मुलाकात हुआ। अभी अंजर का फोटोज़ का बारे में अगर बोलना चाहता हूँ कि अंजर ही इज़, मतलब क्या बोलेगा, ही इज़ अ फैन ऑफ दिस प्रोवर्ब कि डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर आर्ट फॉर्म सो मच कि किसी को समझ में नहीं आए। कोई कोई होता है, मतलब पकड़ लीजिए एक ठो पेंसिल का एक पिक्चर खींचा, 10 पेज लिखा,
ना उसको समझ में आया वो क्यों लिखा, ना हमको समझ में आया एज ऑडियंस क्यों लिखा. मतलब ऐसा, मतलब एक पेड़ का फोटो खींच के फुल आई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट मार दिया. मतलब देर इज नो मीनिंग टू इट. मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस लिखना है. मतलब मेरे मन में कुछ है, लिख दिया ऐसा टाइप का. मतलब ही इज अगेंस्ट दिस. उसका सीन क्या है कि कीप योर आर्ट फॉर्म वेरी सिंपल, ताकि तुम भी समझ सको, सभी समझ सके, एवरी वन कैन रिलेट टू इट, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली. तो सुन, यू विल गेट टू सी हिज फोटोज एंड यू विल रियलाइज कि मतलब क्या बोलेगा. वो अभी अभी शुरू किया है, ठीक है, एंड वो स्ट्रीट मतलब उतना रेगुलरली नहीं करता. तो उसका जो जो फोटोज है, मतलब बहुत सिंपल फोटोज है, लेकिन मैंने क्या बोलेगा, सिंप्लिसिटी में जो खूबसूरती है ना उसका काम में, वो मेरे को बहुत सही लगता है. मतलब ही डजंट लाइक टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स अलॉट. अंजर से मैं अभी जितना 2-3 दिन मिला हूँ, ही लाइक्स टू कीप थिंग्स सिंपल. इतना कॉम्प्लेक्स, जैसे सानिध ने बोला है, उसको ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद है, ना वो खुद कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ता है. उसका यही मानना है कि मैंने फोटोग्राफ खींचा है तो मतलब एकदम टॉप मोस्ट फोटोग्राफर को भी समझ में आया, और जो एकदम लेमैन है उसको भी फोटोग्राफ देख के समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्या है, उसको भी पसंद है. तो दैट इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड वाइल क्लिकिंग पिक्चर्स, की कीप एवरीथिंग सिंपल. ज़्यादा हैफजर्ट करने जाओगे या फिर ज़्यादा एलिमेंट्स डालोगे फोटोग्राफ में, एक तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, और उससे बड़ी बात मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो फोटोग्राफ बिगड़ जाता है ज़्यादा एलिमेंट्स होने के कारण. मतलब और एक तो क्या होता है ना, कोई कोई इतना यूज हो जाता है ये चीज़ से, मतलब दे मिस आउट ऑन रियल स्ट्रीट फोटोग्राफी. एग्जैक्टली. मतलब क्या बोलेगा, ठीक है 2-3 फोटोग्राफ्स होता है बहुत डीप थॉट्स एंड मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोज में इट्स एक्सेप्टेबल. ठीक है, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, कुछ बहुत इमोशनल वैल्यू है, कुछ है, तुम लिख रहे हो उसके बारे में, इट्स ओके. लेकिन एवरी पिक्चर इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट फोटो. मतलब ये पेपर प्लेट का मैं इधर खींचा ब्लैक एंड वाइट में, मतलब कन्वर्ट करके 10 पेज लिख दिया इसके बारे में कि ये पेपर वेट का वेट जो है इसका अलग ही मतलब कोई, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका. ऐसा तो नहीं होता ना. तो देट इज समथिंग इवन आई डू नॉट अप्रिशिएट व्हेन इट कम्स टू बहुत सारे फोटोग्राफर्स जब करता है ये. ठीक है, मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ऑब्वियसली. तो चलिए देखते हैं उसका कुछ फोटोज. लेट्स स्टार्ट. या Hi, I'm Sheikh Anzar Hasnain and I'm a member of Street Photo Art. So, Shannidh ke saath mera mulaqat hua tha Kalbanka ke exhibition mein. And uske baad, since lockdown ho gaya to we couldn't meet. Phir ek din suddenly, few days back, Shannidh ka call aata hai. And he was acting very formal, as if he doesn't know me, and bahut formally introduction de raha tha. So, phir mujhe pata chala ki Kalbanka ke din wo itna drunk tha ki us din ka kuch bhi usse yaad nahi hai. तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक इंटरव्यू के टाइप इंटरव्यू लेना चाहता है, जिसमें मैं अपने फ़ोटोग्राफी जर्नी और अपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात कर सकूं. तो उसी के लिए आज मैं आऊँ. सो माय फ़ोटोग्राफी जर्नी स्टार्टेड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज. तो उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरा एक दोस्त था अर्पण, तो ही हैड अ कैमरा. एंड कोई भी कॉलेज के इवेंट्स पे हो या कहीं भी दोस्त लोग बाहर जाते थे तो वो अपना कैमरा लाता था. तो वहीं से स्लोली स्लोली उसी का कैमरा यूज़ करके मैं फ़ोटोज़ लेता था, एंड इंटरेस्ट वैसे ही आते रहा. उसके बाद मैं इंटरनेट पे गया, मैं फ़ोटोग्राफी के बारे में थोड़ा इधर उधर पढ़ा, यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल देखा. फिर मैं मोबाइल से ही क्लिक करता था. फिर 2018 में मैंने एक कैमरा लिया, एंड उसके बाद मैंने और सीरियसली फ़ोटोग्राफी चालू किया. एंड देन ऐसे ही फ़ोटो लेते लेते आई केप मीटिंग न्यू पीपल फ्रॉम कोलकाता हु आर ऑल्सो इन टू स्ट्रीट फोटोग्राफी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू मीट स्ट्रीट फोटो आर्ट के अदर मेम्बर्स. अनुरन्नो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम मेट, एंड उसके बाद नाउ आई एम अ मेम्बर ऑफ स्ट्रीट फोटो आर्ट एंड द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन. If I have to talk about problems when it comes to street photography or the problems that I faced, back when I started, I really thought that not having a DSLR was a huge problem for my photography journey. Later on, as I evolved as a photographer, I realized that device is not the most important thing. It's your vision. That's the most important thing. And uske ilawa, if I have to say anything as such, problem would be ki. हाँ, सो सिंस आई डू स्ट्रीट फोटोग्राफी, सो
most of the times we click a lot of people and not everybody understands कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, कैमरा लेके क्यों घूम रहे हैं. तो उनको समझाना, उनसे इंटरेक्ट करना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था पहले. बट स्लोली स्लोली आई हैव लर्न टू डील विद इट एंड दीज टू वर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई फेस. वैसे तो इतना मेजर और कुछ था नहीं. वेल इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इंस्पिरेशंस इन फोटोग्राफी, आई मोस्टली ड्रॉ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम माई फ्रेंड्स, लाइक जो अदर जो दूसरे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स है इन एंड अराउंड कोलकाता या मे बी ऑल ओवर इंडिया. मैं उनका काम देखता हूँ एंड उसी से मैं इंस्पायर होता हूँ टू क्लिक बेटर, और मे बी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ. सो मोस्टली दे इंस्पायर मी द मोस्ट. और एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एनी मास्टर्स, वन इंसिडेंट दैट रियली हैज स्टेड विद मी इज व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो क्लास 6 या 7 की कोई ज्योग्राफी बुक में एक फ़ोटो रहता था रघु राय सर का क्लिक. तो मुझे तब पता नहीं था, बाद में पता चला व्हेन आई गॉट इनटू फोटोग्राफी कि उनका क्लिक था. वो एक भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसका एक डॉक्यूमेंटेशन था. इट वॉज द पिक्चर ऑफ अ बेबी हु हैड डाइड इन दैट एक्सीडेंट. तो दैट पिक्चर टॉट मी एक्चुअली हाउ इम्पैक्टफुल वन फोटोग्राफ कैन बी. एंड वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बोल सकते हैं. वो बहुत इम्पैक्टफुल था मेरे फोटोग्राफी जर्नी में. स्ट्रीट फोटोग्राफी जो सबसे ज़्यादा जो सिखाया है वो तो है पेशेंस ऑफकोर्स. बहुत ही क्लीशे आंसर है बट इट्स द ट्रूथ. बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है एंड इट कम्स इन हैंडी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और उसके अलावा लुकिंग एट द मंडेन थिंग्स ऑफ एवरी डे लाइफ डिफरेंटली, मे बी इन योर हाउस, इन माई रूम, टू लुक एट थिंग्स डिफरेंटली देन द यूजुअल. और एक जो मैंने लास्ट और पहले ही बात किया, लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, इस चीज़ में बहुत हेल्प किया फोटोग्राफी ने. टू टॉक टू पीपल, टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड लाइक इंटरेक्ट विद देम मोर ओपनली, ये बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने फोटोग्राफी के जर्नी में मेरे. All the images that you're going to see today are very, very simple images that have been clicked by me, and I really believe in this statement, simplicity is elegance, and I try to portray that in my pictures. Okay. This particular picture is a picture that I clicked during the second lockdown in 2021, and this girl in front is my sister. So we were sitting at the roof at the during the evening, and I was just talking to her and we were about to go down when I just saw that bit of cloud in the background that really attracted me. I was clicking the picture of the sky and that's when I saw the light from the street lamp falling on her face. I really found it very interesting that the contrast between the foreground and the background that really attracted me to this picture, and that dash of white clouds in the background really add a very very dreamy effect to it, and that's what I wanted to capture. And this picture was clicked using a mobile phone, so what I said before, that device does not matter really, this picture really speaks a lot about it. Okay, this picture was clicked at one of the most iconic places in Kolkata. This was at Maidan and it was in the winters, early in the morning. This was clicked around 5 o'clock in the morning, and again, I think this is a very, very simple image and just an example of how beautiful nature can be sometimes. I was really lucky to get that patrol, that mountain police patrolling that place with the horse, and the rays coming through the tree at the same time. That is what attracted me to click the picture, and I think the horse just was like the icing on the cake for me, and that is what I wanted to capture, and that's it. This picture has also been clicked in Maidan during the winters, and this has also been clicked very early in the morning, and it was a very, very foggy day. Nothing could be seen. It was dense fog all over the ground, and these two policemen were patrolling the grounds, and the minimalism of that frame really attracted me to click this picture, and well, it was a very peaceful view. And I really liked what I was seeing at that moment, and that is what provoked me to click this picture.
This particular picture is a split screen. The picture on the background was downloaded from Google, and it is the picture of a human nervous system. And the one in front are roots of a tree, and this picture is clicked by me. And this was a site that I used to see very regularly on my way to college. And I always thought that these roots are arranged in such a way that they resemble the human nervous system. I had seen this picture on the internet, and I really found this resemblance very fascinating. It made me think, and that is exactly what I wanted to show by making this image, and I hope I was able to convey my thoughts. Okay, so this picture is not of flowers, and these are insects. So these are flying termites, that the insects that are really attracted to the light. And I was sitting by the window, and these insects were flying around a street lamp, and I really found this very similar looking to the flowers, and that's when I tried to click some pictures using a higher shutter speed, and that's what I got. And I think the rain added a bit more dramatic effect to the picture. This picture was clicked by me during the winters last year, and this was at my native place. I had gone for a walk at around 8 or 9, and these people were warming themselves up by the fire. And this is the roadside, this is on the road, and I had visualized something like this, a silhouette like this, but it was not exactly the same. And it took me quite some time to get that perfect light, and this is the light at the back is a headlight of a truck, and I think the effect it created with the fog was very interesting to me. It was very the backlight was very attractive. I found the backlight very attractive, and that smoke in front really added some dimension to it, I feel. Well, मैं क्या एडवाइस दूंगा, मतलब आई एम अ बिगिनर माई सेल्फ, बट इफ आई रियली हैव टू गिव सम एडवाइस टू द बिगिनर्स, इट वुड बी दैट डिवाइस इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी. यू कैन क्लिक अमेजिंग पिक्चर्स विद द मोबाइल्स नाउअडेज. एंड अनदर थिंग वुड बी दैट गुड पिक्चर्स टेक टाइम, लाइक नॉट एवरी पिक्चर यू क्लिक विल बी अमेजिंग और अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन. इट टेक्स टाइम टू गेट अ गुड पिक्चर. एंड अनदर थिंग विद द सोशल मीडिया बींग सो पॉपुलर नाउडेज इज दैट पीपल टेन टू कॉपी, एंड आई थिंक ब्लेटेंटली कॉपिंग समवन विल नॉट इम्प्रूव योर वर्क, एंड यू विल बी क्वेश्चन्ड. आई थिंक इट्स गुड टू बी पेशेंट एंड मेक योर ओन फ्रेम्स, ट्राई एंड डू समथिंग यूनिक. I think that will help a lot. Maybe not instantly, but eventually it does help, and you will end up creating good pictures. कैसा लगा भाई? अंजर का फोटोग्राफी मैं पहले भी देखा हूँ. वो अपना फोटो इतना सिंपल रखता है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिज फोटोग्राफी. सिंपल एंड वेरी प्लीजिंग टू द आईज, है कि नहीं? Exactly, भाई. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फोटो, मतलब ये क्यों अच्छा नहीं लगेगा बोल, मतलब ऑन द कॉन्ट्रारी इसमें कुछ ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट या फिर कुछ वैसा अपीलिंग है भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ अ वेरी सिंपल इमेज, कलर टोन बहुत से, सिलेक्टिव लाइटिंग, ये काइंड ऑफ एक साइड का लीडिंग लाइन कुछ टाइप का है इधर पे तेरा, और एक रूल ऑफ थर्ड बहुत सही से फॉलो है. मतलब ओवरऑल देख कितने सिंपल येट सो कलर लाइटिंग टू द पॉइंट. एग्जैक्टली, स्पेशली ये वायर देख के ना मेरे को मतलब एक झलक में हाँ शूटिंग स्टार लग रहा था. एग्जैक्टली. और मतलब क्या होता है देख, कुछ उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन एवरी टाइम यू सी अ पिक्चर क्लिक बाय हिम, कुछ एक एक्सपेक्टर रहेगा विच विल लाइक हुक यू टू द एंटायर सीरीज, ऐसा टाइप. ये वाला ओह, ये तो भाई दिस इज अ प्रॉपर यू नो पीसी का वॉलपेपर वाला. सही में मतलब इतना अच्छा कलर और कॉम्पोजिशन है इसमें. And mostly मतलब the placement of the horse and the god rays, सब कुछ मतलब क्या बोलेगा, बहुत सूदिंग पिक्चर है, प्रॉपर मैदान पिक्चर. आई गेस दिस इज मैदान ना, मैदानी होगा. और दिस पिक्चर इज अ डेफिनेशन ऑफ द गोल्डन आवर. हाँ भाई बहुत सही लगा, बहुत सही. अच्छा अभी तुम ये बोलते, ये क्या है ये देख के? देख अभी तो चल मालूम है मेरे को, बट ऑनेस्टली पहली बार देख के मेरे को ये छोटा छोटा वो फूल होता है ना, क्या नाम तो पता नहीं. फूल हम एग्जैक्ट वही बोला था, हमारे बोल रहे थे कि बोलते, हमने बोला क्या है
तो हम बोला कि ये तो टॉगोर फूल है. बोला नहीं, तुम ध्यान से देख. हम ध्यान से देख के फिर बोला कि टॉगोर फूल ही है, बट दीज आर बेसिकली इंसेक्ट्स जो लाइट के आसपास घूमते हैं. एंड सी दिस इज हाउ, मतलब वो कैसे खींचा है. नॉर्मल इंसेक्ट्स आर लुकिंग लाइक फ्लावर, एंड ये जो हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, आई मीन दिस सीम्स लाइक रेन ड्रॉप्स एंड ऑल. मेरे को मतलब बहुत सही लगा ये पिक्चर. ये फ्लैश से खींचा हुआ है ना? आई गेस सो. पीछे का वो डस्ट पार्टिकल्स भी ग्लो कर रहे हैं. एग्जैक्टली, दोज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दोज आर डस्ट पार्टिकल्स. बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत सही लगा दिस पिक्चर. ये तो मेरा फेवरेट है, दिस इज अमेजिंग. And the thing is कि देख सिलुएट में when you have so many subjects overlap हो जाता है, you know, picture सही से नहीं होता. But somehow he has managed कि मतलब ये देख, एक तो ये इमेज को प्लेस किया है लाइट सोर्स के सामने, बैकलिट हो रहा है, इधर पे ये तो स्मोक का ये सीन है, तो ओवरऑल द फील ऑफ द पिक्चर इज वेरी नाइस. और ऊपर से द कलर इटसेल्फ भाई, मतलब बहुत सही लगा भाई, बहुत सही. बेस्ट चीज इसका ये है, सब्जेक्ट का एकदम एज में जो एक वो पीछे का लाइट एक लाइन बना रहा है ना, वो चीज और ज्यादा मतलब खिल के आ रहा है. तो दिस फोटो इज वन ऑफ माय फेवरेट. अच्छा ये बोलते तो भूल गया, अनदर थिंग, अंजर इज आल्सो अ ब्रिलियंट यू नो आर्टिस्ट. आई मीन उसका स्केचेस, दोज आर मन आउट ऑफ माइंड ब्लोइंग. द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग दैट गोज इनटू हिज वर्क, द अमाउंट ऑफ यू नो रिलेवेंस यू कैन फाइंड विद द ओरिजिनल. मतलब वो क्या करता है, पकड़ लीजिए इसका बर्थडे, इसको उसको बोला कि भाई फ्रोडो का एक तो पिक्चर चाहिए, माने तुम पेंट करके दे. जैसा देगा ना पिक्चर, मतलब वो जो पेंट आंख मतलब ड्रॉ करके देगा, दैट विल लुक बेटर देन द ओरिजिनल फ्रोडो. ऐसा है भाई. एंड द थिंग इज ही हैज हिज ओन पेज, ही हैज बीन डूइंग दिस बिजनेस फॉर इयर्स नाउ. आई विल ऑल्सो अटैच द लिंक टू हिज यू नो द आर्ट वर्क पेज, सो यू कैन फॉलो हिम एंड यू कैन. अभी तो उसका कुछ सेल वेल चल रहा था बोल. हाँ, अरे रिसेंटली मैं भी देख रहा था उसका, मतलब ये पूजा के लिए कुछ डिस्काउंट में selling his artwork. So exactly. If anyone of you want to you know buy something, just khud ka painting, kisi aur ka painting you want to give them, just you know give him a heads up there, he'll draw it for you. And the charges are itna low ki will feel bad for him ki itna kyu kam hai. Ano kya bolega, this Kolkata ho. तो उसका जितना भी लिंक्स वगैरह है, उसका आर्ट पेज का, उसका पर्सनल पेज का, फोटोग्राफ जो भी है, सब हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख लेंगे. ये बंदा कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटिशन दे रहा है, एक तो फोटो खींच रहा है, दूसरा पेंटिंग कर रहा है, कल से क्रिकेट फुटबॉल में भी ना खुश है. एनीवे, वेरी टैलेंटेड गाय. या एंड थिंग इज, मतलब इसको जब देखोगे ना, यू विल नॉट फील लाइक ही इज अ यू नो मेंबर ऑफ स्ट्रीट फोटो आर्ट, ही इज अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर, अ वेरी गुड आर्टिस्ट. देख के नहीं, देख के लाइक ही इज लाइक नॉर्मल एन एवरेज गाय, यू नो, वर्किंग वेरी हम्बल, वेरी हम्बल एंड वेरी फ्रेंडली. और जो बोला, मतलब जहाँ भी जाता है दोस्त, उसका लाइफ का मतलब मोटो है वो, फोटोग्राफी भी उसी से. हाँ एग्जैक्टली, कीपिंग इट सिंपल, हैशटैग कीपिंग इट सिंपल. उसका फोटोग्राफी में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखेगा आपको, वेरी सिंपल, वेरी सूदिंग. सिंस यू आर इतने तक जो लोग वीडियो देखे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इतना देखा है. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. यस, एंड यू नो सपोर्ट अस बाय यू नो लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग. एंड कुछ भी अगर फोटो इनमें से अच्छा लगा, फोटो आर्टवर्क, और उसका जो जो आर्टवर्क है, हम लोग थोड़ा ये फ्रेम में इधर उधर कहीं डाल देना, तो प्लीज़ किसी को, सबको मालूम पड़ेगा कितना सही काम करता है. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड वी विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड वेरी सून. तो टिल देन, बाय बाय. चलो टाटा.